नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। आइए आज हम सभी गुड़ और चना खाने के जबरदस्त फायदों के बारे में जानते हैं। गुड़ और चना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और दोनों ही अपने आप में पूर्ण भोजन हैं, लेकिन जब गुड़ और चने को मिलाकर खाया जाता है तो इसके फायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खास तौर से पुरुषों के लिए तो यह जबरदस्त लाभ करता है। शरीर के लिए लगभग सभी पोषक तत्वों को पूरा करते हुए बहुत अधिक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं गुड़ और चना खाने के फायदों को। चने के साथ गुड़ खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिस कारण मोटापा कम करने में सहायता मिलती है। गुड़ और चने में फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जिस कारण इसे खाने से पाचन तंत्र सही रहता है और कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। गुड़ के साथ चना खाने से शरीर के जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा इससे पुरुषों की त्वचा और भी ज़्यादा निखर जाती है। गुड़ और चना में विटामिन B6 होता है, जिससे दिमाग की ताकत बढ़ती है और याददाश्त तेज होती है। गुड़ और चना में फास्फोरस होता है, जिससे दांत मजबूत होते हैं। इनमें पोटेशियम होता है, जिसका कारण यह है हार्ट अटैक जैसी दिल की बीमारी से बचाने में मदद करता है, ये पोटेशियम होने की वजह से। गुड़ और चना में कैल्शियम भी होता है, जिस कारण इसे खाने से आपकी हड्डियां भी बेहद मजबूत होती हैं। गुड़ और चना में अमीनो एसिड्स ट्रिप्टोफेन और सेरोटोनिन होते हैं, जिससे टेंशन कम होती है तथा यह डिप्रेशन से बचाने में मदद करता है। खून की कमी में फायदेमंद होता है। कई बार कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए लोग गुड़ और चने का सेवन पसंद करते हैं करना, लेकिन इसके अलावा गुड़ और चना एनीमिया रोग दूर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है एनीमिया रोग। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला एनीमिया रोग ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। खास तौर से आयरन की कमी के कारण यह समस्या सामने आती है, जिसमें थकान और कमजोरी महसूस होना आम बात है। ऐसे में महिलाओं को अपनी डाइट में आयरन से भरपूर चीज़ें लेने की सलाह दी जाती है, ताकि हीमोग्लोबिन का स्तर कम न हो शरीर में। ये आयरन की मात्रा से भरपूर होता है। गुड़ और चना आयरन से भरपूर होता है और यही कारण है कि एनीमिया से बचने के लिए यह बेहद मददगार साबित होता है। गुड़ में उच्च मात्रा में आयरन होता है और भुने हुए चने में आयरन के साथ साथ प्रोटीन भी सही मात्रा में पाया जाता है। इस तरह से गुड़ और चने को मिलाकर खाने से आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है, जो कि एनीमिया रोग से बचाने में आपकी मदद करता है। बॉडी को मिलती है भरपूर एनर्जी। जी हाँ, गुड़ और चना न केवल आपको एनीमिया से बचाने में मदद करता है आपकी, बल्कि आपके शरीर से आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति भी करता है। शरीर में आयरन अवशोषित होने पर ऊर्जा का संचार होता है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस नहीं होती है। हालांकि अत्यधिक मात्रा में भी इसका सेवन आपके भोजन की आदत को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए इसे नियमित रूप से और नियंत्रित मात्रा में ही खाना चाहिए, तभी फायदा करता है। और इसके लिए हम अपने कई वीडियोज में बोल चुके हैं, आज भी आपको ये लाइन बोलते हैं, अति का न बोलता, अति का न चुप, अति की न छाँव, अति का न धूप, अति सर्वत्र बरजेत। इसीलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो फायदे की जगह लॉस देने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आप सभी के लिए आज की हमारी जानकारी। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।